सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुल्लू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सिंह ब्लॉगर। जैसा कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा, हम आ चुके थे कुल्लू। देर रात होने की वजह से हमें कुल्लू में रुकना पड़ा। अब हम जा रहे हैं मनाली के लिए। वैसे तो यहाँ दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने व्यू दिखाया था आपको, और भी मैं थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ आपको। अब तकरीबन 10:30 बज गए हैं और अब यहाँ से मनाली माल रोड के लिए निकलेंगे। फिर वहाँ पर चेक इन करेंगे और वहाँ पर फिर हम आपको माल रोड के नज़ारे दिखाएंगे। इतने कुल्लू की वादियों के नज़ारों को मजे लीजिए। तो ये कुछ इस तरह का मौसम है कुल्लू का। ये देखिए फॉग, धुंध, जो भी आप कहें। और ये नदी जा रही है और ये देखिए क्या नज़ारे हैं। और यहाँ पर ये किट्टू रेडी हो गई है, हमारी मैडम रेडी हो गई है, सारा कुछ पैक कंप्लीट करके अब चलते हैं। सो फाइनली हम निकल चुके हैं अपनी गाड़ी में बैठ के, और गुड्डू हमारा आज ऑपरेटर रहेगा, वीडियो बनाएगा, तुम्हें रास्ते दिखाएगा कुल्लू से मनाली तक। तो चलते हैं। ये किट्टो कनिष्का पहुंच गए हैं नगर कैसल। तो फ्रेंड्स, हम एंट्री कर रहे हैं नगर कैसल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक पहले महल था। ये पूरा लकड़ी और पत्थरों का बना हुआ है और ये कुछ इस तरह से दिखता है। अभी इसके हम जो टूरिस्ट मैप है वो दिखाते हैं। ये नगर कैसल में ये मैप है, ये आपको यहाँ गाइड करेगा और जो भी इससे रिलेटेड जानकारी है वो इस बोर्ड पे लिखी हुई है। ये राष्ट्रीय धरोहर नगर कैसल का इतिहास है। इसमें सब लिखा हुआ है, ये कैसे इसमें कौन शासन करता था, कौन कि फिर ये कुछ पुराने वेपन्स हैं, फिर ये कैसे एक टूरिस्ट पैलेस बना है। और इधर ये ऑफिस है, ऑफिस में आप जाएं तो इसके अंदर रूम वगैरह हैं, आप बुक कर सकते हैं। तो सबके चार्जेस अलग हैं। अगर हम बात करें उनके चार्जेस की, तो इनका चार्जेस के ये पूरा चार्ट है, इस पर लिखा हुआ है पर नाइट के हिसाब से, जैसे भी आप बुक। इधर हम चलते हैं तो इधर आप देखिए रेस्टोरेंट है नगर कैसल के अंदर। ये इनका किचन रूम है और यहाँ पर ये कुछ कल्चर शॉप्स है। और इधर देखिए ये पूरा इस तरह से, तो ये पुराने समय का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये पूरा वुडन से बना हुआ है नगर कैसल, ये पत्थर और लकड़ी के लिए फेमस है। देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ रेस्ट वगैरह है और थोड़े से व्यू पॉइंट है, बाकी और कुछ नहीं है। इधर ये देखिए मैडम फोटो क्लिक करा रही है। और थोड़ा सा हम इधर से आपको व्यू दिखाएंगे, हिमालय का कुछ इस तरह से व्यू दिखता है। ये देखिए यहाँ से ऊपर जाने के लिए है। और ये
तो अब हम सब जा रहे हैं म्यूजियम, नगर कैसल का म्यूजियम है ये। म्यूजियम का रास्ता है, अभी देखते हैं कि म्यूजियम में क्या क्या है और आपको दिखाते हैं। ओह ये तो ये इधर म्यूजियम का रास्ता है, किट्टो जा रही है म्यूजियम में। और यहाँ वाओ ये देखिए, ये कुछ पुरानी यादें। ये देखिए पुराने समय के दरवाजे हैं और ये वाद्य यंत्र। ये कुछ ऐसा पहनावा था इनका जो पहले राजा महाराजा थे इस तरह के पहनते थे। कुछ आर्ट है और ये यहाँ ये हिरन के हिरन या जो भी है ये इस तरह का जानवर पाया जाता था। और चलते हैं अब आगे, देखते हैं क्या क्या है म्यूजियम में। तो म्यूजियम में एक छोटा सा म्यूजियम बना रखा है यहाँ पर, जो आपने देखा म्यूजियम में दिखाया हुआ था क्या क्या चीजें रखी हुई थी पुराने समय की। और ये म्यूजियम से हम आ गए हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे देखेंगे तो कुछ इस तरह के हैं यहाँ पर। ये फर्स्ट फ्लोर पे भी एक म्यूजियम है, दिखाते हैं आपको। तो ये कुछ इस तरह का है, म्यूजियम तो नहीं कहेंगे, थोड़ी सी जो पुरानी फर्नीचर है वो है यहाँ पर। ये हीटर के लिए इसमें आग लगाते थे, ये चिमनी। और ये रहा टेबल चेयर और ये सोफा। तो ये इनका एक हॉल था। तो हमने ये नगर कैसल देख लिया है, ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं, हम आध घंटे में ही सारे बोर हो गए। कितो गुड्डू इधर आओ, बस इसमें हाँ इसमें एक चीज़ है, आप रूम बुक कर सकते हैं, रह सकते हैं, कैफे में खाना खा सकते हैं, बाकी और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो हम चलते हैं अपनी आगे की मंजिल के लिए। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.